नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल, स्वागत है आपका विनम गाइडेंस में। और आज के वीडियो में कुछ पढ़ाऊंगा तो नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है 16th of June और मैं लगभग एक साल से यूट्यूब पे आ भी नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ माई ओवर बिजी शेड्यूल, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो उससे पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब टू विनम गाइडेंस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि आप फुल नाइट स्लीप लें एग्जाम से पहले भी। अगर आपका कल को एग्जाम है तो आज आप लगभग 7-8 बजे अपना डिनर कर लें और उसके बाद एकदम सो जाइए। सुबह 9 बजे आपका पेपर शुरू है, लगभग 6 बजे आपको उठना भी चाहिए। अगर आप आज 8 बजे के आसपास सो जाते हैं तो ऑलमोस्ट 10 घंटे की नींद आपको मिल जाएगी, विच इज मोर देन एनफ। अगर आपने पिछले 6 महीने से बहुत मेहनत करी है, अगर आप 2-4 घंटे की नींद पर जगे हैं, आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो डेफिनेटली एक दिन पहले आपको बहुत ढंग से सोना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको नींद आई, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको जम्भाइयाँ आई, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं होगा। उस केस में आपकी पिछले 6 महीने की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए, पूरी नींद लीजिए, भरपूर नींद लीजिए, सुबह उठिए एकदम फ्रेश। उठने के बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए और अपने एग्जामिनेशन हॉल सेंटर पर पेपर शुरू होने से ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले पहुंचने का शेड्यूल रखिए। हो सकता है जब आप घर से निकलें तो आपको रास्ते में ट्रैफिक जाम मिल जाए। अगर आप बस से अपने एग्जामिनेशन हॉल पर पहुंच रहे हैं, शेड्यूल पर पहुंच रहे हैं, अगर आप बस से अपने वेन्यू पर पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बस, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपकी बस खराब हो जाए। अगर आप अपनी कार से पहुंच रहे हैं तो आपकी कार के टायर में, मैं चाहता नहीं हूं ऐसा हो, बाई चांस पंक्चर हो जाए, तो यू विल बिकम लेट। उस केस में एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी कि अब क्या करें। तो इन चीजों का खास ध्यान रखिए, इन चीजों का एक बैकअप माइंड में जरूर रखिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो आप कैसे उससे निमटने वाले हैं। डू यू हैव अ बैकअप? आपके पास कोई और ऑप्शन है अपने एग्जामिनेशन हॉल पर टाइमली पहुंचने के लिए? तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए और एग्जामिनेशन सेंटर पर टाइम से पहुंच जाइए। यहां पर टाइमिंग पे सबसे ज्यादा जोर देना बहुत जरूरी है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर वेन्यू। आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आई होप एडमिट कार्ड सब तक आ ही गए होंगे, नहीं आए हैं तो चेक कीजिए, वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। एडमिट कार्ड पर आपका वेन्यू लिखा हुआ है, उस वेन्यू को मार्क कर लीजिए। गूगल मैप एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, वहां से आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से गूगल मैप पर भी रिलाई करना गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार एक ही नाम से 2 स्कूल हों 2 कॉलेज हों, तो हो सकता है गूगल मैप दूसरा कॉलेज दिखा रहा हो या दूसरा स्कूल दिखा रहा हो और आपका सेंटर कोई और हो। रेयर केस में ऐसी कंडीशन हो जाती है, गूगल मैप पर 100% रिलाई नहीं किया जा सकता, फिर भी आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड आसपास हो आपके वेन्यू के, तो उनको रिक्वेस्ट करके एक बार पूछ लीजिए, बोल दीजिए कि वो वेन्यू को एक बार क्रॉस चेक कर लें, ताकि आपको वेन्यू पर पहुंचने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप वेन्यू के फेज में फंस गए कि मेरा ये वाला वेन्यू है या कोई और वेन्यू है, मैंने ऐसा बहुत सारे केसेस देखे हैं कि स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं कहीं और उस टाइम लगभग 8:40-8:45 हो रहे होते हैं एंड दे डोंट हैव टाइम कि अब वो यहां से अपने एग्जैक्ट वेन्यू तक पहुंचे। उस केस में दे बिकम लेट और उस लेट की वजह से बहुत इश्यूज हो जाते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर को ये खास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, शायद 9 या 9:15 के बाद, आप किसी भी कंडीशन में स्टूडेंट की एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। उस केस में लॉस होता है स्टूडेंट का, तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन से बचिए।
वेन्यू पहले ही अपने वेन्यू को मार्क कर लीजिए आपको कहां पहुंचना है। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को डराने में बड़ा मजा आता है, ऐसे लोगों से बहुत बचिए। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं, आपके कुछ पुराने दोस्त आपको मिल गए और वो खुद बहुत टेंशन में होते हैं। एक्चुअली उनकी प्रिपरेशन कुछ होती नहीं है, उनकी एक डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन होती है और उस केस में वो आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े खड़े एकदम से पूछते हैं, अरे तेरे को वो ड्रोसोफिला के मेटरनल जीन्स याद हैं? अब याद हैं या नहीं है, अब तो पढ़ के आ गए जितना पढ़ चुके थे, अब इस टाइम एग्जाम हॉल के बाहर खड़े हैं, अब तो नहीं पढ़ सकते, ना हाथ में बुक है और ना ही बुक उठानी है, लास्ट मोमेंट पर कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपके माइंड में है, जितना आपने रिटेन कर रखा है, दैट इज मोर देन इनफ। उसी के बेसिस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्जाम देने अंदर जाइए। और इस तरह के लोग जो आपको थोड़ा सा पैनिक कर देते हैं, जो आपको थोड़ा परेशान कर देते हैं, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं, इस तरह के लोगों से बिल्कुल बचिए, दूर भाग जाइए, नमस्ते कर दीजिए। आपका पूरा का पूरा फोकस आपके एग्जाम में है, आप मत सोचिए कि आपने अब क्या छोड़ दिया, आप सोचिए कि आपने कितना कुछ पढ़ लिया, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आते हैं, उनमें से क्वेश्चन आए तो आप खटाक से आंसर लिख देंगे और आपका नेट क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा वेयर्ड है बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक बार वॉशरूम जरूर धोइए। ऐसा तो आजकल गर्मियां हैं नॉर्थ इंडिया में, खासतौर से जहां पर कोस्टल रीजन है वहां का मुझे नहीं पता, आई एम स्टिल इन नॉर्थ इंडिया, तो यहां पर गर्मियों में वॉशरूम का इतना ज्यादा सेंसेशन जल्दी जल्दी से नहीं होता, पसीना ही इतना आ जाता है, बट स्टिल एक बार वॉशरूम हुआइए सो दैट अगले 3 घंटे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपको वॉशरूम की सेंसेशन हो रही है। अगर आपको बाई चांस आपके इन्विजिलेटर ने अलाउ कर दिया, वैसे तो वो अलाउ करते नहीं है कि आप वॉशरूम जा सकें, बिकॉज ऑफ रीजन चीटिंग हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, बट स्टिल अगर उन्होंने अलाउ कर भी दिया तो भी आपके 5 से 10 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। आपके लिए नया स्कूल है, नया कॉलेज है, आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर में आप पहले जाकर के वॉशरूम ढूंढोगे, फिर वहां पर 5 मिनट आम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, वापस आओगे। दोस 5 मिनट्स आर वेरी क्रूशल, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर छोटा नहीं है, बहुत लेंदी 140 क्वेश्चंस हैं, तो कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, आपके लिए एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अवॉइड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। दोस्तों आंसर शीट मिलते ही सबसे पहले उस पर अपने क्रेडेंशियल्स भरना ना भूलें। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जब तक मेरी ड्यूटी लगती है एज इन्विजिलेटर, कि वो अपनी आंसर शीट के ऊपर अपना रोल नंबर, अपना वेन्यू, सेंटर, ये चीजें फिल ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं बाद के लिए, कि जब बाद में जब एग्जाम कंप्लीट करने वाले होंगे, जब लास्ट मोमेंट होगा, जब बेल बज जाएगी, तो जो 5 मिनट बचेंगे उसमें जल्दी जल्दी फिल कर देंगे, विच इज अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। आपको ऐसी चीज से बचना है, एग्जामिनेशन हॉल में घुसते ही जैसे ही आपको शीट मिले सबसे पहले अपनी क्रेडेंशियल भर दीजिए। आपका रोल नंबर बिल्कुल सही सही भरा होना चाहिए, अगर ये गलत भर गया समझ लीजिए आपका पूरा पेपर बेकार। अगर आपने एक भी 70 गलत भर दिया तो आपकी शीट इवेल्युएट या तो होगी नहीं, होगी तो किसी और के खाते में जा सकती है, तो इसलिए इस चीज से बचिए। जिस समय एग्जाम चल रहा है उस टाइम क्रेडेंशियल्स की बात माइंड में आनी नहीं चाहिए। इन्विजिलेटर कई बार बोलते हैं कि जिसके क्रेडेंशियल्स रह गए वो भर दें, लेकिन आपको वो चीज सुननी ही ना पड़े, या आपके माइंड में वो एक अलग से कॉर्नर ना बना हुआ हो कि हाँ मुझे अभी क्रेडेंशियल्स भरने हैं, वो एक अलग से टेंशन हो जाती है माइंड में। जैसे ही एग्जाम में घुसें क्रेडेंशियल्स भर के एक साइड कर दीजिए, उसके बाद फॉलो कीजिए अपना पेपर। इतना टाइम मिलता भी है, आंसर शीट 5 मिनट पहले मिल जाती है आपको, जिसमें आप अपने ये सब चीजें फिलिंग कर सकते हैं, तो यूज दैट टाइम, क्रेडेंशियल्स पहले भरिए। द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट ऑन विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट। पहले उन क्वेश्चंस का आंसर कीजिए जिनमें आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि कई बार जिन क्वेश्चंस में हम थोड़े थोड़े कंफ्यूज होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर पहले मार्क कर देते हैं, जो कई बार गलत हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। उसके बाद जब आप टेबल फॉलो करते हैं
तो आप देखते हैं ओहो इन क्वेश्चंस का आंसर तो मुझे आता है डेफिनेटली, ये क्वेश्चन का यही आंसर होगा, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। उस केस में आंसर शीट तो आप फिलअप कर चुके, अब आप फंस गए, क्योंकि जहां आपने नेगेटिव क्वेश्चन भर दिया उसकी नेगेटिव मार्किंग तो होगी होगी। फिर आप जितने मर्जी आगे फिलअप करते रहिए, 35 क्वेश्चन सेक्शन बी में से इवेल्युएट होंगे, 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में से इवेल्युएट होंगे, और ऐसे ही सेक्शन सी में से 25 क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे। उसके बाद आप जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भरे या तो वे इवेल्युएट होंगे ही नहीं, या हो सकता है वो नेगेटिव मार्किंग में चले जाएं, डिपेंडिंग ऑन द रूल्स ऑफ सीएसआईआर। सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज के 3 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों ही पार्ट्स अलग अलग होते हैं। पार्ट ए जिसमें आपको मैथमेटिक्स बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, पार्ट बी जिसमें आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, पार्ट सी जिसमें आपको बायोलॉजी के एनालिटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आधे आधे एक एक पेज के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको पढ़ना समझना, फिर उसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, और फिर उन ऑप्शंस के भी कॉम्बिनेशंस में आंसर्स होते हैं। बताइए ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, या ऑप्शन 2 और 3 इज करेक्ट, या ऑप्शन 3 और 4 इज करेक्ट, या ऑप्शन 4 और 1 इज करेक्ट। इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं, पढ़ने में भी टाइम लगता है, और ये आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सीएसआईआर नेट ने एक चालाकी की है, आपको क्वेश्चन मिलते हैं 70, आउट ऑफ दो 70 आपको अटेम्प्ट करने हैं 25। तो आपको इतने सारे क्वेश्चन पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा ना, जरूरी थोड़ी है कि पहले 25 क्वेश्चन आपको आते हों, 70 तक पहुंचते पहुंचते आपको कितना टाइम लगेगा, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। तो बेटर यही है कि आप अपने सेक्शंस को डिवाइड कर लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप मैथ के एनालिटिकल क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप मैथ यानी सेक्शन ए को लगभग 45-50 मिनट का टाइम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन में बहुत वीक हैं, मैथ बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस या स्किल्स क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप इस क्वेश्चन के लिए 15-20 मिनट का टाइम रखिए, इससे फालतू इस सेक्शन को मत दीजिए। एक बार पढ़ तो जरूर लीजिए, क्या पता 2-4 क्वेश्चन ऐसे हों जो आप कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन के लिए मत छोड़िए। रादर ये टाइम आप यूटिलाइज कीजिए सेक्शन बी और सेक्शन सी में। कुछ लोगों की क्रैमिंग पावर बहुत फास्ट होती है, उनके लिए सेक्शन बी से स्कोर करना थोड़ा आसान है, तो वो लोग सेक्शन बी के लिए 50 मिनट्स to 1 आवर का टाइम रख सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि सेक्शन बी में थोड़ा टाइम लगेगा, वो 1 आवर 15 मिनट्स, इससे ऊपर टाइम मत दीजिए, 1 आवर 15 मिनट्स इस मैक्सिमम, इससे ऊपर सेक्शन बी को टाइम मत दीजिए। उसके बाद सेक्शन सी मिनिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1.5 आवर, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करते हैं। तो 1 आवर to 1.5 आवर आप सेक्शन सी को जरूर दीजिए, लेंदी क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। दोस्तों अगली जरूरी बात, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने साथ ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एटलीस्ट 2-2, साथ में एक छोटा सा स्केल और एक वाटर बॉटल साथ ले आना मत भूलिए। नॉर्थ इंडिया में बहुत तेज़ गर्मी है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है, उस कंडीशंस में आपको बीच में पानी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम सेंटर्स आपके लिए पानी अरेंज नहीं करवाते, क्योंकि इतने सारे रूम्स होते हैं, इतने सारे रूम्स में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और एक स्कूल में 3 या 4 पियोन होते हैं सब मिलाकर, तो वो सारे रूम्स में अलग अलग कितने स्टूडेंट्स को पानी पिलाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीएसआईआर नेट या उसका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा होता है, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेते। तो इसलिए अपने साथ एक वाटर बॉटल रखिए, हो सके तो वाटर बॉटल वो वाली रखिए जिसमें आपका पानी ठंडा रहता है, जो थर्मोस्टेट वाली वाटर बॉटल होती है, रादर देन द सिंपल प्लास्टिक बॉटल, बिस्लेरी बॉटल्स वगैरह जो आती हैं। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो सिंपल बिस्लेरी बॉटल या प्लास्टिक बॉटल्स भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट पानी ज़रूर रखिए। तो दोस्तों एग्ज़ाम से पहले एकदम काम रहिए, कंपोज रहिए, दिमाग को कूल रखिए, फोकस रखिए, जो आप पढ़ के आए हैं वो बहुत कुछ पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा पढ़ के आए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
जितना आता है उतना कॉन्फिडेंस के साथ करके आइए, नेगेटिव मार्किंग मत कीजिए। और जिस टाइम आप सर्कल को फिल करें उस टाइम सर्कल फिलिंग में भी एक चीज़ का खास ध्यान रखिए। तो OMR शीट पर सर्कल फिल करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज़ ये आपका सर्कल है तो आपको इसे फिल करना है सबसे पहले इसके बॉर्डर्स, आपको ब्लैक बॉल पेन से फिल करना है, ब्लू पेन से मत फिल करिए, ब्लैक से करिए, और बॉल पेन से फिल करिए, जेल पेन से फिल मत कीजिए क्योंकि अगर हल्का सा भी पानी का ड्रॉप या कुछ भी चला गया तो वो पूरा फैल जाती है इंक। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर इसको पूरे को भर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी इंक इस सर्कल से बाहर ना निकले, सर्कल के अंदर ही आपकी इंक रहनी चाहिए। इसके अलावा एक ज़रूरी बात कि आप अपने साथ वाइटनर लेकर मत जाइए। अगर आपने अपनी शीट पर गलत फिलिंग कर दी और आप सोचते हैं कि मैं इसके ऊपर वाइटनर लगा दूं और फिर साइड वाला ऑप्शन फिल कर दूं तो मेरा सही हो जाएगा, तो नहीं होगा क्योंकि जो स्कैनिंग मशीन होती है उसने अगर वाइटनर को देख लिया तो फिर वो पूरी शीट को ही ठीक से स्कैन नहीं कर पाती। तो इसलिए वाइटनर यूज़ मत कीजिए, वाइटनर यूज़ करना अलाउड भी नहीं है। अगर गलत फिल कर दिया तो कर दिया, किस्मत आपकी, बाय चांस आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो यही आज के कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपने एग्ज़ाम को देना है। आई गेस 16th जून को एग्ज़ाम है। आई विश अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। अगेन अपोलॉजीज, मैं वीडियोस आपको नहीं बना पाया, नहीं शेयर कर पाया कुछ वीडियोस पिछले एक साल से, कुछ शेड्यूल मेरा ज़्यादा ही बिजी रहा है और उन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट एनीवेज इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कुछ कुछ वीडियोस लाता रहूँ टाइम टू टाइम। तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।